पीड़ित पत्रकार ने एसपी को शिकायती पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। थाना प्रभारी अजगैन फर्जी मुकदमों में फंसाने की दे रहे हैं धमकी। पीड़ित पत्रकार ने एक मामले में एक तरफा कार्रवाई करने के लिए प्रभारी निरीक्षक जेबी पांडे पीड़ित पत्रकार को दे रहे हैं धमकी। इससे पहले भी एक क्षेत्रीय पत्रकार व उसके परिजनों सहित एक समाज सेवी पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए थे थाना प्रभारी ने। पाली गांव के निवासी पत्रकार शिवम सिंह के साथ पड़ोस के रहने वाले उमेश सिंह व उनके परिजनों के साथ खेत को जबरन ट्रैक्टर से जोत डालने का हुआ था विवाद। पत्रकार द्वारा मना करने पर उसके साथ ट्रैक्टर चला रहे शिवा सिंह व उमेश सिंह ने मारपीट की थी। पत्रकार पर ट्रैक्टर चढ़ाकर जान से मारने का भी किया गया प्रयास। पत्रकार द्वारा जिसकी लिखित शिकायत कोतवाली में की गई थी, कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। उल्टा पुलिस आरोपी उमेश सिंह से शिकायती पत्र लेकर पीड़ित पत्रकार व उसके परिजनों को फंसाने का झूठा खेल रच रही है। प्रभारी निरीक्षक जग बहादुर पांडे पीड़ित पत्रकार पर दबाव बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिससे पीड़ित पत्रकार ने परेशान होकर एसपी दिनेश त्रिपाठी को लिखित शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। एसपी ने जांच कराकर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें कि पीड़िता के पिता पर एक साल पहले भी गांव के कुछ लोगों ने हमला कर जान से मार डाला था। हत्यारे आज भी बेखौफ होकर गांव में घूम रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शिवम सिंह है। मैं दैनिक समाचार पत्र से नवाबगंज से संवाददाता हूँ। मेरा मामला था थाना कोतवाली अजगैन से जुड़ा हुआ। वहाँ के जो प्रभारी निरीक्षक महोदय है और वो हम जो स्थानीय जो पत्रकार हैं उनको दबाने का लगातार काम कर रहे हैं। जंग बहादुर पांडे जी हैं, वो एक पक्षीय कार्रवाई करने की बात करते हैं। कोई मामले में अगर बात करना चाहे तो उसका जवाब देना नहीं चाहते। यहाँ तक कि जब थाना समाधान दिवस होता है तो उसमें भी कैमरा और कलम को बंद करने की बात कहते थाना समाधान दिवस चल रहा है तो वहाँ आप लोग कैमरा नहीं चला सकते या खबर वहाँ की नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुकदमा दर्ज करने की लगातार धमकी देते हैं। कल से हमको कम से कम 2 से 3 बार बात किए, कहें कि हमारे मन मुताबिक अगर काम नहीं करेंगे, हमारा हमारे पड़ोस में एक विवाद चल रहा है जिसको लेकर मैंने भी प्रार्थना पत्र दिया है, दूसरे पक्ष ने भी प्रार्थना पत्र दिया है, तो उसके पक्ष से लगातार उनकी वो पैरवी कर रही हैं। वो कहते हैं कि अगर काम उनके मन मुताबिक नहीं करेंगे तो मुकदमा दर्ज कर देंगे। इसी को लेकर के मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव को प्रार्थना पत्र दिया है। महोदय ने कहा है कि हम कार्रवाई कराएंगे।